नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे आईकॉल के एक फीचर फोन का जो कि मुझे मात्र 400 रुपए में मिल गया। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और अनबॉक्सिंग करते हैं इस डिवाइस का। तो ये रहा इसका पैकेट, ये मैंने स्नैपडील से मंगवाया है। तो अब मैं इसे खोल लेता हूँ। ये रहा मेरा बॉक्स। पैकिंग तो अच्छा है, मैंने सोचा था कि 400 का सामान अगर मैं मंगवा रहा हूँ तो पैकिंग शायद थोड़ा ख़राब हो, लेकिन पैकिंग तो अच्छा करके दिया है, ये अच्छी बात है। अब मैं कर लेता हूँ इसे ओपन। और ये रहा हमारा फ़ोन, अब मैं इसे निकाल लेता हूँ। इसमें इसका रेट और मॉडल नंबर वगैरह क्या क्या है वो सब लिखा हुआ है। इसका प्राइस तो 699 है बट मुझे ये 400 में मिल गया। अब मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ। तो ये रहा हमारा फ़ोन। आप देख सकते हैं इस फ़ोन को एकदम नोकिया का कॉपी करके रखा है। अब देखते हैं अंदर एसेसरीज क्या क्या है। इसके साथ मिलता है आपको चार्जर, बैटरी और यूज़र मैनुअल। तो ये रहा हमारा बैटरी, और ये है इस फोन का चार्जर जिसे अलग से पैक किया गया है। देख लेते हैं। इसकी रेटिंग वगैरह तो साफ नज़र नहीं आ रहा है। 500 मिली एम्पियर का चार्जर है, नोकिया का जैसा पतला पिन का चार्ज होता है वैसे ही चार्ज होता है। इससे ऊपर में है आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक और LED लाइट। इधर है चार्जर का पिन और तो कुछ नहीं है। हम इसे खोल लेते हैं। तो बस इसमें एक सिम ही अटैच होगा। अब बैटरी को लगा के देख लेते हैं ऑन होता है कि नहीं। शायद बैटरी डाउन है तो चार्ज करके देखना होगा। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो गया है। तो हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है, अब हम इसे ऑन करने की कोशिश करते हैं।
ये हो गया हमारा फ़ोन ऑन, लेकिन यहाँ पे इसे पूरे तरीके से चलाने के लिए सिम चाहिए। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। मतलब इसको एकदम सिंपल नोकिया के फ़ोन के ऐसा बना दिया गया है और अच्छा है। डायलर भी काम कर रहा है, मतलब फोन ओके। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने भी मन बनाया है एक छोटा सा सिंपल सा फ़ोन लेने का, और आप अगर ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मेरे हिसाब से ये फ़ोन बेस्ट है क्योंकि इसका बैटरी बैकअप भी आपको तगड़ा मिलने वाला है, और इसके पार्ट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे क्योंकि इसमें सारा पार्ट्स जो है वो नोकिया का कॉपी है और चार्जर भी कॉपी ही है। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन तगड़ा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जो फीचर फ़ोन लेने वाले हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।